आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के इस्तीफों की मंजूरी के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 15 मार्च को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया, जबकि तहरीक इंसाफ ने इस्तीफों की एक साथ मंजूरी के लिए गुज़िश्ता साल दरख्वास्त दायर की थी, तो तहरीक इंसाफ के इस्तीफों की मंजूरी के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। आमिर, इसके हवाले से भी आगाह कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉज लिस्ट जारी की है उसमें दूसरा अहम मुकदमा तहरीक इंसाफ की इस्तीफों की मंजूरी के लिए दायर दरख्वास्त है, इसको भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 15 मार्च को समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं इस बेंच में। और इस बेंच ने बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ जो दरख्वास्त गुजार हैं उनको नोटिस जारी कर दिए हैं, और इसमें तहरीक इंसाफ ने इस्तीफों की एक साथ मंजूरी के लिए गुज़िश्ता साल की। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी, हमारे साथ मौजूद थे।